समीर जी, आप आज आपका जन्मदिन है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आप अपने गांव के सरकारी विद्यालय में बच्चों के बीच कॉपी कलम के वितरण किए, क्या कुछ कहेंगे इस वितरण को लेकर के आप? मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर जितने लोग मुझे बधाई दिए हैं, मैं सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, ताकि लोगों ने मेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। और साथ ही साथ ये कॉपी बांटने का मकसद ये नहीं कि मैं इन लोगों को बस बांट रहा हूँ और अपने जन्मदिन का अवसर बांट रहा हूँ। मैं इस कॉपी बांटने के माध्यम से बता रहा हूँ कि गार्जियन भी और हमारे समाज के लोग, जितने भी जागरूक लोग हैं, वो जागरूक हों और समाज में एक शिक्षा के प्रति जागरूकता चलाए, जिससे कि हमारे समाज के जितने भी विद्यार्थी और बच्चे हैं, वो आने वाले दिन में हमारे फ्यूचर बने और एक से बड़े एक बड़े पोस्ट पर जाए। हमारे जिलाधिकारी बने, IAS बने, PCS बने, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, जो भी बनना है, उनके भविष्य में जितने भी बाधाएं आती हैं, हमारे समाज में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण हम समाज में आगे आते हैं, हम समाज के कार्यकर्ता। तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि समाज के हर एक वर्ग के पीछे जाके और खासकर शिक्षा के प्रति एक जागरूकता चला, यही मेरा मेन मोटिव है। जागरूकता अभियान चलाने के माध्यम से मैं अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय में पुस्तक और कॉपी कलम बांट कर बच्चों को धन्यवाद दिया। देखा था कि बहुत बड़े बड़े नेता है, लेकिन अपने जन्मदिन पर वो इस तरीके से कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या सोचा है कि इस तरीके से? बड़े नेता से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, बड़े नेता क्या करते हैं, ये मेरा विजन है, मैं इस विजन पे काम करता हूँ। मेरा तीन ही विजन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, मैं इन विजन पे काम करता हूँ। ये बड़े नेता क्या करते हैं, मुझको कोई मतलब नहीं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मेरे घर पे भविष्य फाउंडेशन ट्रस्ट चलता है हम लोग द्वारा, तो अनेक कार्य, सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो मैं बड़े नेता से मेरा कोई तुलना नहीं, वो बड़े जो बड़े हैं वो हमारे गार्जियन है, मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे विद्यार्थी हैं, मैं उन लोगों को प्रेरित करता हूँ कि वो शिक्षा के प्रति और पढ़ाई के प्रति जागरूक हो, और उनके शिक्षा में जितने भी बाधाएं आती है, यदि पढ़ाई में उनको कोई दिक्कत आता है, पैसे से कोई दिक्कत आता है, तो सौमिल बाबू हाजिर है। इस पे अपने स्टिकर के माध्यम से मैंने लिखवाया, समस्या आने हर एक नीचे नाम और नंबर भी है। तो इस माध्यम से जितने भी हमारे जो भी लोग हैं वो जुड़ सकते हैं, और जिनको भी पढ़ाई में जो समस्याएं आ रही है, कहीं भी समस्या आ रही है, उसके लिए सौमिल बाबू अपने तरफ से जरूर मदद करने का काम करेगा और प्रयास करेगा कि शिक्षा में हमारे गाँव और हमारे समाज के बच्चे आगे जाए और देश के भविष्य बने। कितने बच्चों का कॉपी कलम का वितरण किया है यहाँ पे? जितने भी आज संख्या, जैसे कि हमने प्राइमरी स्कूल में हमारे जो मास्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि 120 की संख्या है। 120 टोटल बच्चों को मैंने पुस्तक और कॉपी कलम बांटा, बाकी अन्य भी और जगह बांटना है, इन सभी को बताया है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सौमिल उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता, मैरवा निवासी।